नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लवर चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक ठाक हो गए, अपनी अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो दोस्तों और अपने बर्थडे। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हुआ ये बहुत बुरा हुआ मेरे बर्थ के साथ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का कि परिंदा मर चुका है और मैं उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँ। दोस्तों ये बड़ी दुख की बात है कि परिंदा एक बर्थ लवर का, जो परिंदे होते हैं दोस्तों बर्थ लवर होते हैं, अगर उनके परिंदे एक्सपायर हो जाते हैं तो दोस्तों ऐसा दुख होता है कि इसके जमानों की परिवार का हिस्सा में, परिवार के हिस्से में से कोई ना कोई ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आज हुआ ये, जैसे कि मैं कॉलोनी के अंदर जैसे आया वैसे ही मेरे को ये परिंदा बैठा हुआ नज़र आया। दूर से ऐसा लग भी रहा है दोस्तों कि परिंदा बैठा हुआ है, ठंड लग गई या उसको नींद आ रही है, मगर मैंने अचानक इसको देखा तो धागा बंधा हुआ है दोस्तों। मेरे को लग रहा था ये पर फुला के बैठा है, क्या हो गया, तो मैं इसके नज़दीक गया तो हुआ ये धागे वगैरह हो जो कॉलोनी के अंदर होते हैं दोस्तों, नुकसान होता है इन धागों से, ऐसे कपड़ों से। ये देखिए फांसी लगा ली, या इसका कुदरत का करिश्मा कहूँगा दोस्तों, क्या हुआ है इसकी मौत, किस तरह से भगवान ने ली है। तो दोस्तों ये धागे वगैरह कपड़ों के जो होते हैं कॉलोनी केज वगैरह में दोस्तों, परिंदों से दूर रखिए, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो, कि आप आगे से आप भी अलर्ट रहिए। इस वीडियो का मोटिव है कि दोस्तों आप भी अलर्ट रहिए, आप अपने परिंदों को सेफ रखिए ऐसे धागों से। ये धागे जानलेवा होते हैं दोस्तों, दिखते ही ऐसे कपड़ों के धागे, मगर बर्ड्स वगैरह होते हैं दोस्तों, इनको हमेशा खेलने का मन होता है। पेड़ पौधों में अक्सर देखा होगा, जंगलों या बाहर के जो पक्षी होते हैं दोस्तों, उनमें पेड़ों पर बैठ जाएंगे, तरह तरह से वो खेलते हैं। उसी तरह इस परिंदे ने भी इस धागे से ज़रूर खेला होगा और कॉलोनी में इसके साथ हादसा हो गया। तो ये धागे वगैरह हम हटा देंगे दोस्तों और आगे से ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ऐसे धागे से बर्ड्स को बचाया जाए। इन धागों को मैं काट के हटा दूँगा। अगर आपकी कॉलोनी में भी ऐसे धागे वगैरह या कुछ रस्सी वगैरह नायलॉन की छोटी छोटी होती है दोस्तों, उनको रिमूव कीजिए अपनी कॉलोनी के अंदर से, क्योंकि बर्ड्स होता है ब्रीडिंग के टाइम ऐसे धागों को भी मटकी के अंदर ले जाता है दोस्तों। और होता ही है, जो मटकी के अंदर चिक्स वगैरह होती है या मादिन होती है, उनमें भी अलग जाते हैं ये धागे, और गले में अलग जाते हैं या उनके पैरों में चिक्स वगैरह के, तो धीरे धीरे वो एक्सपायर भी हो जाता है। कई बार मैंने कई धागे निकाले अपने मटकियों में से नीचे से, तो परिंदे ले जाते हैं। तो ऐसे धागों को मैं दूर रखता हूँ और रखूँगा, मगर हुआ ये अब जो कपड़ा है उसमें से धागा निकाल लिया बर्ड्स ने खींच खींच के, ध्यान नहीं दिया मैंने कॉलोनी में क्या चल रहा है, तो देखा ये कॉलोनी के अंदर क्या हो गया। बड़े दुख की बात है दोस्तों, ये जो बर्ड्स था एक तरह का ऑफलाइन था दोस्तों, ऑरेंज हुड साइमन ऑफलाइन, इसकी कॉस्ट काफ़ी बड़ी होती है, मगर मैं इसकी कॉस्ट पे नहीं जाऊँगा, मगर जान गई है इसकी, इस बात का दुख है दोस्तों। परिंदा कितना भी महंगा हो, 1000 का हो या 5000 का, दोस्तों जान तो जान होती है। मैं कोई बिजनेस नहीं करता इन चीज़ों का, जो मेरे को मुनाफा घाटा देखूं, मैं इनकी बर्ड्स की जान देखता हूं। मैं बर्ड्स लवर हूं, ना कि मैं बिजनेस मैन हूं या प्रॉफिट नुकसान ये कुछ देखूं। मैं इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा परिंदों को
चाहे फ़ायदा हो रहा हो चाहे घाटा हो रहा हो, उनको मैं बच्चों की तरह पालता हूँ दोस्तों, उनको काफ़ी प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। बाकी कुदरत का नियम है, कभी किसकी कैसे भी मौत हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं होता दोस्तों। इंसानों में भी यही होता है कि कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई बीमार होके मर गया, कोई ऊपर से गिर गया, सोते सोते मर गया। परिंदों में भी दोस्तों ऐसे हो जाता है अक्सर, करंट लग के मर गया, एक दूसरे ने मार दिया या चूहे ने मार दिया, अटैक हो गया, फीवर में मर गया, या कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन से वो ग्रस्त हो गया दोस्तों, उस चीज़ से मर गया, या ऐसे फांसी लगा के धागों में लच के मर गया, दम घुट गया। तो बात होती है दोस्तों, ये हमारे हाथों में नहीं है बर्ड्स को, बस हमारे हाथों में ये है कि परिंदे को इन चीज़ों से दूर रखें ताकि वो ऐसी गलती ना करे। वो परिंदे काफ़ी मासूम होते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है, कुदरत उनके साथ क्या करने वाली है, उनको ऐसा कुछ नहीं पता होता दोस्तों। बड़ी दुख की बात है, आज ये कॉलोनी में देख के बड़ा बुरा लगा दोस्तों। बाकी परिंदे तो मेरे पास बहुत हैं, मगर जान तो जान होते दोस्तों, जिनकी मैं परवाह करता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ दोस्तों। अगर आपके साथ बर्ड्स वगैरह कॉलोनी या केज के अंदर ऐसे धागे या छोटे छोटे तार वगैरह होते हैं लोहे के, वो होते हैं केज वगैरह कॉलोनी में, तो दोस्तों रिमूव करो, उनको हटाइए ताकि आपके परिंदे एकदम सेफ रहे, ऐसा नुकसान ना होना चाहिए बर्ड्स के साथ आपके साथ। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है, अलर्ट होने का बर्ड्स लवर को। बाकी तो जो बर्ड्स ज़बरदस्ती पाले उनके लिए मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कुछ टाइम रखते हैं हटा देते हैं, उनका मन भर जाता है। मगर सच्चा बर्ड्स लवर वो है जो ज़िंदगी भर बर्ड्स पालें, उनको एक शौक हो जाए कि बर्ड्स हमें पालने हैं, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इनके बगैर मन नहीं लगता। तो दोस्तों उन्हीं के लिए भाइयों के साथ कहूँगा दोस्तों, हुआ ये इसकी दोस्तों बॉडी एकदम ठंडी हो गई है सर्दी की मारे, इसकी एक तरह की लाश है जो ठंडी पड़ जाती है दोस्तों सर। अब ठंड इसकी गर्दन की हड्डी है ना काफ़ी ठंडी हो रही है, छूने पे मेरे को महसूस हो रहा है, तो हो जाता है दोस्तों। अब क्या करें, परिंदे की मौत इस तरह से लिखी थी, ये कुदरत को पता है, हमें कुछ नहीं पता। हम बस ये कर सकते हैं दोस्तों, जितने भी परिंदे उनकी फिक्र कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं आगे से। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अगर मेरे से अगर आपको लग रहा हो कि ये मेरे से ही गलती हुई है, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। और फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत दोस्तों।